आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है BHA इज एंटीमाइक्रोबियल या एंटीऑक्सीडेंट इन आवर फूड। तो हमें पता है कि BHA एंटीमाइक्रोबियल है या एंटीऑक्सीडेंट है हमारे फूड के अंदर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि BHA क्या होता है और जो टर्म्स गिवन है इनका मीनिंग क्या है। तो देखो, जो BHA है वो होता क्या है हमारा, BHA की हमारी फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी XYNSol, ठीक है। तो आप इसके नाम से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले ब्यूटाइलेटेड क्या होता है, कोई भी चीज हमारा हाइड्रोकार्बन 4 कार्बन का, हाइड्रोक्सी हमारा OH ग्रुप होता है और एनिसोल क्या होता है, बेंजीन रिंग पे हमारा कौन सा ग्रुप, OCH3। तो अगर मैं स्ट्रक्चर को कंबाइन करूं तो देखो क्या हो गया, यहाँ पहले हमने ड्रॉ करी बेंजीन रिंग अपनी और वो एनिसोल है तो OCH3 अटैच हो गया, हाइड्रोक्सी मैंने OH ग्रुप अटैच किया और ब्यूटाइलेटेड के लिए हमारे 4 कार्बन का ग्रुप कैसे अटैच्ड है, CCH3CH3 और यहाँ पे CH3। तो ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल का, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा आगे कि वो एंटीमाइक्रोबियल है या एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीमाइक्रोबियल हमारे वो मेडिकेशन या ड्रग्स होती है, एंटी का क्या मतलब होता है, अपोज करती है, अपोज किसका कर रही है, माइक्रोब्स का, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस, पैरा, हम बोल सकते हैं प्रोटोजोल्स, जिनके वजह से भी क्या होता है, हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है, बॉडी को प्रॉब्लम होती है और क्या, तो फिर जो एंटीमाइक्रोबियल होते हैं वो इनके अगेंस्ट जो भी हमें प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन होता है, एलर्जीज होती है, उसके अगेंस्ट वर्क करती है। और एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटी का मतलब अपोज करती है, ऑक्सीडेंट का मतलब जो ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो जो भी हमारे फूड को ऑक्सीडाइज कर रहा है उसको प्रिवेंट करती है, ठीक है। तो जो हमारा BHA होता है वो कैसे वर्क करता है, BHA एक हमारा बहुत ही अच्छा क्या होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। और इसमें ना हमारे क्या होता है, 2 आइसोमर्स होते हैं, 2 आइसोमर्स किसके होते हैं हमारे, 2-tert-butyl 4-hydroxy-anisole का, और जो नेक्स्ट होता है वो होता है हमारा सेम होता है, बस यहाँ पे 3 होता है, ये टर्ट ब्यूटाइल 4-hydroxy-anisole, ठीक है। और इसको हम बनाते कैसे हैं, हमारा 4-methoxyphenol आइसोब्यूटाइलिन के साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। और इसके मैं अपीयरेंस की बात करूं तो ये वैक्सी सॉलिड की तरह होता है और एक फूड एडिटिव की तरह भी यूज किया जाता है, मतलब हमारे फूड में ऐड किया जाता है। और ये हमारे फूड को क्या करता है, प्रिवेंट होने से बचाता है, किसको प्रिवेंट होने से बचाता है, कि फूड हमारा क्या ना हो जाए, रैंसिड। रैंसिड का मतलब क्या होता है, जब भी हमारे फूड का स्मेल, फूड में स्मेल हो जाती है, फूड का टेस्ट डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू द ग्रोथ की, जब हमारे फूड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, तो BHA हमारे फूड को रैंसिड होने से बचाता है, प्रिवेंट रैंसिड, ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है, ठीक है। और ये जो हमारी यीस्ट की ग्रोथ होती है उसको भी क्या करता है, डिफॉर्म करता है, डिफॉर्म एज अ डिफॉर्मिंग एजेंट रोल प्ले करता है, किसके लिए, यीस्ट के लिए, ठीक है। तो ये प्रिवेंट किया जाता है हमारे फैट्स जो होते हैं फूड में, कि वो हमारा क्या हो, खराब ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो। तो हमारा BHA क्या हुआ, एंटीऑक्सीडेंट इन आवर फूड। तो मैं इसको कर देती हूँ मार्क, एंटीऑक्सीडेंट। इस क्वेश्चन का मेरा पार्ट करेक्ट होगा एंटीऑक्सीडेंट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।